बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब नदीम तरीन साहब, मेरे बड़े भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मुशीर खान तरीन साहब, जनाब शौकत अली साहब सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिला सदर असद अब्दुल्ला साहब, मोतमद जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, इमरान बॉबी साहब, जगमुल इस्लाम साहब, अमीर इस्लाम साहब, महताब आलम साहब, फरत अली साहब, जीशान आलम साहब, कौसर खास तरीन साहब, परवेज साहब, गुमसानी गांव के मोहम्मद फारूक प्रधान साहब, इख्तियार हुसैन साहब, मुजाहिद साहब प्रधान ततारपुर, शाकिर हुसैन साहब, फिरोज आलम साहब और नसीर अहमद साहब, मौजूद हाजरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि संभल की इस विधानसभा में आपने पिछले 30 साल से नवाब साहब को वोट देकर उनको कामयाब किया। 30 साल किसी भी सियासतदान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा लंबा सफर होता है और एक बहुत बड़ा एजाज होता है, मगर 30 साल में संभल की विधानसभा में जो तरक्याती काम होना था, जो विकास का काम होना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ। इस 30 साल के सफर में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की 2 मर्तबा सरकार बनी, जिसमें मुलायम सिंह यादव साहब मुख्यमंत्री भी थे, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने। उसके बावजूद भी अगर जो शख्स बरसर इख्तदार जमात से वाबस्ता होने के बावजूद भी अपनी विधानसभा में विकास का काम नहीं करवा सकता, जिस शख्स में इतनी ताकत नहीं थी कि बावजूद उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री है और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंदोसी बन जाता है जो यहां से 27 किलोमीटर दूर है, तो आप बैजोई बन जाता है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी तकलीफ आपको उठाना पड़ता है। तकलीफ तो यहां की जनता उठा रही है, मगर ये बात मालूम हुई कि नवाब साहब को तो आपने विधायक बनाया, उनके पार्टी का मुख्यमंत्री था, मगर नवाब साहब की नवाबी खाली घर के हद तक थी, अखिलेश के पास उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, इसीलिए वो बेबस थे। और कमजोरी की बेहतरीन मिसाल वो ये है कि अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को बोलकर वो उसका फैसला तब्दील नहीं करा पाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात आप जानते हैं कि संभल विधानसभा में यहां पर डिग्री कॉलेज शिक्षा का बहुत बड़ा मसला है, यहां पर रोड नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर किस बुनियाद पर समाजवादी के प्रत्याशी वोट का मुतालिबा कर रहे हैं? 30 साल से आप वहां पर यहां से कामयाब हो गए, मगर आपने कुछ काम नहीं करवाया। आप सिर्फ इस बात पर इलेक्शन जीतते रहे कि कभी बीजेपी का डर दिखाया तो कभी डॉक्टर साहब से आपकी नफरत या फिर उनसे जो भी मामला था। आप कब तक इन चीजों को देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करते रहेंगे? मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप संभल में एक नई तारीख रकम करिए, संभल में विकास के लिए, संभल के बच्चों के तालीम के इंतजाम के लिए, संभल में यहां पर अस्पताल नहीं है। और अस्पताल का एक वीडियो मैं देखा हूं, शायद दिसंबर 2020 का था, कि अस्पताल में एक लाश को कुत्ता लोच कर खा रहा था। आप बताइए कैसे होगा ये? आपको इन हालात को तब्दील करना है, आपको इन हालात को अपने हाथ में लेना है, और उसी वक्त होगा जब आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपना वोट देकर उनको कामयाब करेंगे। संभल में अगर आप चाहते हैं कि रोड बने
संभल में आप चाहते हैं कि विकास का हर काम हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समाजवादी का साथ छोड़ें। समाजवादी के बस की बात नहीं है और ना बसपा की बस की बात है। बसपा को भी यहां पर हुकूमत करने का मौका मिला, क्या किया बहन मायावती ने? कुछ नहीं किया। और बार बार आकर सिर्फ बीजेपी का डर दिखाना कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे संभल में बीजेपी नहीं आ सकती, ना कभी आएगी इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में भी अगर बीजेपी आई है तो क्या उसका जिम्मेदार ओवैसी है या अखिलेश की नाहेली है? अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो ये समाजवादियों की नाकामी है, उनकी बुजदिली की वजह से, उनके मुखन्निस होने की वजह से यहां पर बीजेपी सरकार कर रही है। आप बताइए, संभल में दो बच्चों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया कि नवाब साहब उनके घर के करीब नजर आए? आज तक उन बच्चों को गोली मारी गई है, FIR तक इशू नहीं हुआ अभी तक। किसको वोट दे रहे हैं आप, किसका साथ दे रहे हैं? मैं एक मिसाल दिखाता हूं आपको। मैं यहां आ रहा था, हम लोग बरेली से गाड़ी में यहां पर आ रहे थे तो मेरे पास हैदराबाद से दो लोग फोन कर रहे थे कि हमारी ठेले की बंडी को फुला मुकाम से ट्रैफिक के पुलिस वाले ने हटा दिया। मैंने कहा तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि बंडी को मैंने नहीं हटाया। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं हटाया? इसने कहा कि तुम मेरे MP हो, मैं यहीं ठहरा हूं, उससे तुम बात करो, उस इंस्पेक्टर से। इसको बोलते हैं ताकत। एक मामूली गरीब ठेला बंडी वाला हैदराबाद में मुझे फोन करता और कहता है कि बात करिए इंस्पेक्टर से, जरा बताइए उनको कि हम गरीब हैं, यहां पर कारोबार करना है। कौन सुनेगा फिर गरीबों की बात को? ये मिजाज मजलिस पैदा करती है। अगर अल्लाह ने चाहा आपके वोटों से यहां से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा तो वो नवाब बनकर नहीं रहेगा, आपका खादिम बनकर संभल की खिदमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये मिजाज आपको पैदा करना है। ये मिजाज, ये एतमाद जब आप में पैदा हो जाएगा कि मेरा विधायक, मेरा सांसद, मेरा खादिम है, एक ठेला बंडी वाला फोन करके कह सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी तुम बात करो और मुझे यहां से नहीं हटाया जाए। रात के अंधेरे में हमको फोन करते कि पुलिस हमारे बेटे को उठा लिए, बात करिए, हम बात करते हैं। कोविड के दौरान में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोविड की पहली वेव में 1900 लोगों को मैंने खुद अस्पताल में बेड दिलाया था हैदराबाद में। दूसरी कोविड की वेव आई तो हमने 750 के करीब या 800 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर को मुफ्त आवाम में दिया। एक नहीं 10-10 मरतबा रिफिल कराई। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैं बरतानिया से मंगाया उसको, और जब मुझसे इम्तियाज जलील औरंगाबाद के MP ने कहा कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत है, मैं औरंगाबाद को भी जाया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार को भी जाइए, हमने बिहार को भी जाया। 30 साल से जिस शख्स को आप जिता रहे हैं क्या काम का? हां, उनकी इंफरादी शोहरत में, उनकी इंफरादी दौलत में, उनकी इंफरादी ताकत में इजाफा हुआ होगा, मगर बताइए संभल की जनता का क्या फायदा हुआ? संभल की जनता का कुछ फायदा नहीं हुआ, और सिर्फ वोट लेते हैं अपनी शख्सियत के लिए। मैं यहां पर आया हूं तो अपनी शख्सियत के लिए नहीं आया हूं, मैं अगर आया हूं तो आपके हक दिलाने के लिए आया हूं। मेरी शख्सियत, मेरा मुकाम, मेरी इज्जत कोई माने नहीं रखती गरीब आवाम के सामने। मैं मिटने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए आया हूं। इसीलिए तो हम पर गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती है ना, हम पर गोलियां चलाई जाती इन दलदों पर नहीं चलाई जाती कि उनको उनको मालूम ये गुलाम है उनके। हमारी जबान को दबाने के लिए गोलियां चलाई जाती है। अरे जो गुंगे हैं उन पर कोई गोली नहीं चलाता, मर्दों पर गोली चलाई जाती, कमजोरों पर नहीं चलाया जाता, गुलामों पर। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरी बात को समझिए। संभल में अगर आप चाहते हैं कि तरक्की हो, संभल में अगर आप चाहते हैं कि आपके दरमियान में आपका वोट जिसको आप कामयाब करें वो आपके दरमियान में रहे, तो आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। कौन सा काम यहां पर हो रहा है? संभल की विधानसभा में खाली एक ही आदमी का फायदा हो रहा है, वो नवाब साहब का, उनका कोल्ड स्टोरेज और सिरंज बनाने का काम दौड़ रहा है आसमान पर, और गरीब कमजोर से कमजोर होता जा रहा है।
मैं आप तमाम से ही गुजारिश करने आया हूं और आपको बता रहा हूं समाजवादी पार्टी का असेंबली में क्या नवाब साहब उठाए, इन बच्चों की जो मौत हुई, बिलाल पाशा की मौत हुई फायरिंग में, क्या नवाब साहब उठाए असेंबली में? क्या इनके पास ताकत थी कि योगी की आंखों में आंखें डालकर कहा जाए कि मेरे विधानसभा के बच्चों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, उनके घर से उनकी औलाद को महरूम कर दिया गया? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मामला है योगी को, बोलेंगे तो बुलडोजर भी जा देगा उनके पास, तो वो बोले कि खैरियत यही है कि मेरा बच्चा नहीं मरा, उसका मरा, मुझे क्या करना, मेरा बच्चा अच्छा है, मुझे काफी है। जब तक ये मिजाज रहेगा कुछ काम नहीं होगा। मुझे भी अल्लाह ने औलाद दी है, मगर मेरा मामला यह कि जो लोग मुझे वोट डालते उनकी औलाद का तहफ्फुज़ हो, उनकी बेटियों का तहफ्फुज़ हो, तभी तो कामयाब विधायक और सांसद बनता है। आज हर चीज ये लगती है कि नहीं बस मेरा फायदा हो। और माशाल्लाह से ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ने इतना दिया मगर इनका गारत का गड़ा भरता ही नहीं है, डाले जा रहे भरता ही नहीं है इनका गारत का गड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 14 तारीख के दिन अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करें। ये जगह का नाम गुमसानी है ना, गुमसानी है ना। अब आपसे अपील कर रहा हूं, ये तमाम को गुमनाम कर दो आप इंशाअल्लाह ताला। ये गुमसानी की आवाम की मेरी आपसे अपील है कि आपका नारा होना चाहिए कि गुमसानी का नारा, 14 को सबको गुमनाम करेंगे और मुशीर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी पार्टी, पूछिए इनसे, ट्रिपल तलाक का जब कानून लाया गया, तीन मरतबा पार्लियामेंट में आया, समाजवादी पार्टी के एमपीस की तकारीर उठाकर देख लो आप, ट्रिपल तलाक का कानून है और अखिलेश बात कर रहे मैंने रोड बना यूपी में, मैंने रोड बना यूपी में। अरे कानून ट्रिपल तलाक का है, ये बोल रहे मैंने हाईवे बनाया, मैंने प्लेन उतारा। अरे बोलने लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते अखिलेश, तुमने कब सुना था अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का नाम अखिलेश की जबान से? नहीं सुना किसी ने। डरते नहीं, अगर बोलेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। अरे आप कहने वोट है ही नहीं हमारे सिवा, आपने हमको कैदी बनाकर रख दिया, आपने हमको बीजेपी का डर दिखाकर हमको कैदी बनाकर रख दिया। मगर सुनो अखिलेश यादव, अब वो मामला नहीं रहेगा, अब वो तू पुरानी पूरी बातें खत्म हो जाएंगी। ना सिर्फ संबल बल्कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख लिखेगी इंशाअल्लाह ताला। ये गुलामी और कैदी की सब बातें खत्म, अब हिस्सेदारी की लड़ाई होगी, हिस्सा लेना पड़ेगा आपको, और बगैर हिस्सा लिए हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, हाँ जिंदा, आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा, हम जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिक्र मत करो। जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा, हम नहीं तो दुनिया भी नहीं, वो मुतमईन रहो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में यूएपीए का कानून आया। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का इंस्पेक्टर आपके गांव के किसी भी बच्चे को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। क्या अखिलेश यादव तुम तारीफ नहीं किए उस कानून की? क्या कांग्रेस ने तारीफ नहीं की अमित शाह के अमेंडमेंट बिल की? हम पर उंगलियां उठाते पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैंने पूरे संविधान के सामने रखकर दलाल दिया, कहा कि कानून गलत है, यह कानून गलत है, इस कानून का इस्तेमाल मुसलमान दलित आदिवासियों पर होगा। आज भारत की जेलों में उसी कानून के तहत बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया गया। अखिलेश यादव ने तारीफ की, बताओ नवाब तुम्हारी जबान खुली? क्या तुम बोले कानून गलत है? भैया मत तारीफ करो, तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारे घर तक आफत नहीं आएगी, ना गरीब के घर पर आफत आएगी, नौजवानों के जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज बताइए आप, अमित शाह की तारीफ करते उस कानून को कांग्रेस और सब पार लोकसभा राज्यसभा में तारीफ करते हैं और आकर आपसे वोट का मुतालबा करते हैं, किस मुंह से मुतालबा करेंगे आप?
बदतरीन कानून को तुमने तायीद किया, उसको कानून बन गया। आज भारत में किसी को भी यूएपीए लगा दिया जाता है, किसी पर भी यूएपीए लगा दिया जाता है। हाँ, ये और बात है कि हम पर गोलियां चलाने वालों पर यूएपीए नहीं लगाया जाता, हम पर गोलियां चलाने वालों पर यूएपीए नहीं लगाया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात, आज प्रधानमंत्री हमको मीडिया के लोग बताए कि सहारनपुर में तकरीर करके कहा कि बीजेपी हर मजलूम के साथ है। प्रधानमंत्री जी वो मजलूम है, मजलूम नहीं है। और कहा कि हमने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, मुस्लिम महिलाओं को हमने मदद की। प्रधानमंत्री जी, आपको कब से मालूम हो गया कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का कानून बनाने से फायदा हुआ? ट्रिपल तलाक का कानून अगर बीजेपी ने बनाया तो मुसलमान औरतों को बर्बाद करने के लिए बनाया। हम बता रहे हैं आपको, ट्रिपल तलाक अगर कोई बोलता है वो गुनाह है, बेवकूफ है, पागल है। मगर प्रधानमंत्री जो कानून बनाया, अब सहारनपुर में खड़े होकर कह रहे कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों की मदद के लिए बनाया। प्रधानमंत्री जी, हरिद्वार में मुस्लिम बहनों के ताल्लुक से वो जो तमाम महाशय जमा होकर कह रहे थे कि इनका नरसंहार कर दो, जेनोसाइड कर दो, जब आप कुछ नहीं बोले, जब कहा गया कि भारत की फौज को इस्तेमाल करके इतने लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कत्ल कर दो, आप कुछ नहीं बोले। जब हमारी गर्दन की कीमत लगाई जा रही थी, आप कुछ नहीं बोले। प्रयागराज इलाहाबाद में गालियां दी गई मुस्लिम महिलाओं को, आप कुछ नहीं बोले। बुल्ली डील, सुल्ली डील, हमारे बच्चों की नीलामी हुई, प्रधानमंत्री नहीं बोले। प्रधानमंत्री, आपको मोहब्बत किससे है बताओ? आपको मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से नहीं है, आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से है, आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से है। और आपको देखकर, आपसे मुकाबला करने के लिए अखिलेश भी अपनी जबान को खामोश कर लेते, कुछ नहीं बोलते। मुकाबला क्या हो रहा है कि मोदी से बड़ा कौन है? अरे मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के संविधान को इस्तेमाल करो, मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के इंडियन नेशनलिज्म को सामने रखो। मगर नहीं, प्रधानमंत्री तो आज सहारनपुर में बोल दिए। प्रधानमंत्री, इसका जवाब दीजिए, जो प्रयागराज इलाहाबाद में संसद हुआ, जो हरिद्वार में हुआ, आप कोई मुंह नहीं खोलते। अच्छा, प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है कि एक मुस्लिम बच्ची हिजाब पहनकर कॉलेज में जाती है तो उसको गुंडे घेर लेते, मगर मेरा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा उन लोगों को, क्योंकि उनके गले में एक किस्म की शाल थी। प्रधानमंत्री ने देखा कि हिजाब और निकाब और वो शाल, तो प्रधानमंत्री बोले, बेटा खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। बच्चियों के बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलते। जो बच्चियां हिजाब निकाब पहनकर पढ़ना चाहती है, प्रधानमंत्री अपनी जबान को खामोश कर लेते, क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? जब देश के मुसलमान औरतों से इतनी आपको मोहब्बत है तो उन बच्चियों के बारे में बोलो जो देश को ताकतवर बनाना चाहती है, जो देश का नाम रोशन करना चाहती है, मगर अपने लिबास के साथ, हिजाब के साथ, निकाब के साथ। मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री दावा करते ट्रिपल तलाक का, आपको मालूम कानून क्या है ट्रिपल तलाक का? इनकी ये मोहब्बत मुस्लिम मुसलमानों से निकाल रहे। अगर ट्रिपल तलाक कानून में किसी को कोर्ट सजा देता है तो 2 साल, और अगर कोई गैर मुस्लिम को किसी और कानून में, उसी तरह के कानून में कोर्ट सजा देता है तो 1 साल। प्रधानमंत्री, 2 साल हमको, 1 साल किसी और को, यह कौन सा इक्वालिटी है? यह कौन सा इक्वालिटी बताओ आप? आपका आपको कोई मोहब्बत नहीं है। और प्रधानमंत्री, याद रखो, अगर मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ज़किया जाफरी को अपने घर में बुलाकर मिलो, मैं मानूंगा तुम्हारी मोहब्बत को। बुलाओ ज़किया जाफरी को अपने घर में। आप मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के लोग बोलेंगे, मीडिया में भी इनके लोग बैठे, बोलेंगे ये पुरानी बातों को निकाल रहा है। पुरानी बातों को निकालेंगे, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, हम भूलते नहीं है, ना भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर देश के प्रधानमंत्री जो भूल जाते हैं उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है।
याद दिलाने के लिए बोल रहे, और फिर दूसरी बात कि ट्रिपल तलाक का कानून प्रधानमंत्री आज बोले, वो इसमें क्या है कि अगर किसी को कोई एक बेवकूफ किस्म का गधा किस्म का एक इंसान अगर अपनी बीवी को तीन बार बोल दिया तो कानून ये कहता है इस पर केस बुक कर दो, और कानून ये बनाए, ये कहते हैं कि शादी भी नहीं टूटेगी। जब शादी नहीं टूटेगी, गुनाह नहीं हुआ, तो FIR किस बात का? प्रधानमंत्री बोले नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं बादशाह सलामत हूं, कानून बन गया। अब आप ये बताओ, अगर कोर्ट उसको सजा दे दिया तो 2 साल तक उस बिचारी हमारी बेटी की शादी नहीं टूटेगी, शादी नहीं कर सकती, वो शादी में है। तो 2 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो प्रधानमंत्री हमारी बेटी को बोल रहे कि बेटा मैंने तेरे लिए इतना बड़ा कानून बनाया, ऐसा बनाया कि तू एक बैंड बाजा पार्टी लेकर जेल के सामने ठहर जा, जब तेरा पति निकलेगा तो तुम बाजे वाले को बोलना बजाओ बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। क्या बात है बताइए आप, कि 2 साल वो गधा पागल जेल में रहेगा और ये बच्ची की शादी नहीं टूटेगी? ये कौन सा अच्छा, कोर्ट में उस बच्ची को बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री कि हां इसने कहा था। प्रधानमंत्री कौन ठहरेगा उस गरीब औरत के साथ? हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में मेहर के पैसे लिख दो आप, और उसमें कहो कि अगर कोई ट्रिपल तलाक कहता है तो मेहर के पैसे 100 गुना इजाफा कर दो, 100 गुना इजाफा करो, मिल जाते, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता। मगर प्रधानमंत्री समझते नहीं, प्रधानमंत्री बादशाह सलामत बने हुए, बादशाह सलामत बोले हो गया। प्रधानमंत्री आपकी गलत पॉलिसियों से हर समाज पूरा देश परेशान है, कोई खुश नहीं है आपसे। उत्तर प्रदेश में तो इंशाल्लाह बाबा जाएंगे, मुझे यकीन है, मगर बाबा जाएंगे तो अगर आप समझ रहे कि समाजवादी बसपा इनको हरा पाएगी, नहीं हरा पाएगी। अगर आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ देंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला बीजेपी की शिकस्त होगी, बीजेपी को सत्ता नहीं मिलेगी, एक नई तब्दीली उत्तर प्रदेश में पैदा होगी। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट को जाया होने मत दीजिए, ना संभल में ना उत्तर प्रदेश में। ये आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है। अगर आप आज खामोश हो जाएंगे तो 5 साल के बाद जो 15 और 16 साल की लड़कियां और लड़के हैं वो आपसे पूछेंगे हम 20 साल के हो गए, बताओ यही ये इतना इंसाफी क्या है, तो क्या जवाब देंगे? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे को देखो आप, अगर मेरे चेहरे में आपको अपना बेटा नजर आता है, अपना चाचा नजर आता है, तो खुदा के लिए उस पर गौर करो। मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे मालूम कि मेरी जिंदगी को खतरा है, मगर मेरा टूट ईमान है कि खतरे लाख होंगे जब तक रब्बे करीम नहीं चाहेगा मेरी जिंदगी का शमा गुल नहीं होगा इंशाअल्लाह होता। मैं मौत को अपने 6 फीट के करीब से देख चुका हूं मेरे दोस्तों, मैं मौत को अपने 6.5 फीट के करीब से देखा हूं, जो हथियार उठाकर हम पर गोलियां चला रहे थे, मुझे यकीन है इस बात का कि आपकी दुआओं ने मुझे बचाया। मगर खुदा की कसम, मौत के डर से मैं अपनी जबान को बंद नहीं कर सकता, ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अरे अगर खुदा ने कुछ सलाहियत दी तो जबान की दी है, इस जबान को अगर मैं मजलूमों के लिए उनके हक के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, जालिमों के जुल्म को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगर संबल के विकास, संबल की नाइंसाफी के लिए, संबल की आवाम की तरक्की के लिए जबान नहीं चलेगी तो क्या किसी गुलामी के लिए चलेगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब समाजवादी पार्टी के लोग बहुत नारे लगाते हैं कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, अबे कितनी जवानी कुर्बान करेगा, कितनी जवानी, 30 साल से सब जवानी बर्बाद, मगर संबल का कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अपनी जवानी को बचाओ, मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, ये संबल का इलेक्शन है, यहां से एक बेहतरीन उम्मीदवार आपके दरमियान में है, अगर आप एक बार फैसला ले ले, अजम कर ले
कि हम अब की बार इंशाअल्लाह ताला वो 30 साल पुरानी गलती नहीं करेंगे, एक नए दौर का आगाज करेंगे, एक नए संबल की तरक्की की राह हमवार करेंगे। तो आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर हमारे उम्मीदवार को, आपके उम्मीदवार को, बल्कि आपके खादिम को कामयाब करिए। आपको विधायक की जरूरत नहीं, आपको खादिम की जरूरत है, जो आपकी आवाज पर दौड़ता हुआ है, जो आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करे, ऐसे शख्स को आप कामयाब करिए। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी बार संबल की आवाम एक बेहतरीन फैसला लेते हुए यहां से मजलिस के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद की एक बेमिसाल तारीख बनाएगी। पतंग के निशान पर बटन दबाकर एक सियासी शऊर की एक बेहतरीन मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में पैदा होगी। पतंग के निशान पर बटन दबाकर हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपना हिस्सा अदा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।